मेरा नाम राकेश बंसल है, मैं अशोक विहार G88 फेस वन में रहता हूँ। मेरा नए बाजार में दालों का व्यवसाय है और त्यागी मोगी स्कूल मेरा ही है। इसके अलावा मैं प्रॉपर्टी और फाइनेंस का बिजनेस भी करता हूँ। मैं फेस टू से पिछले 28 साल से जुड़ा हुआ हूँ, मैं जो कि फेस टू के अंदर श्री मांगेराम गर्ग जी के छोटे भाई श्री महावीर प्रसाद जी का दामाद भी हूँ, इसलिए मेरा विशेष प्रेम जो है फेस टू के लिए रहता है। आज मैं ससुराल में आया हूँ। जहाँ तक मैं सोसाइटी की बात है, मैं आज पहली बार यहाँ चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरा चुनाव लड़ने का इस बारी कोई मतलब था नहीं, लेकिन कुछ विशेष कारणों से मुझे चुनाव लड़ना पड़ रहा है यहाँ पर। पिछली बार जब हमने यूनैनिमसली टीम चुनी थी यहाँ के सम्मानित व्यक्तियों द्वारा जो है, तो उसका एक उद्देश्य था कि भाई हमारे संस्था के अंदर जो हमारा हॉस्पिटल जर्जर हालत में है, उसके लिए हमको चुनाव को अवॉइड करके सभी को साथ मिलकर एक टीम बनानी चाहिए, जिससे कि हमारा जो हॉस्पिटल का है वो नवीकरण हो सके। इसी उद्देश्य को लेकर हम लोगों ने एक संयुक्त रूप से अनिल जी के नेतृत्व के अंदर टीम बनवाई। लेकिन उसके बाद जो है अनिल जी ने जो है कभी भी ये चेष्टा नहीं करी कि भाई हॉस्पिटल का नवीनीकरण होना चाहिए। 2 साल निकल गए हमारे ऐसे कैसे, और इसी वजह से इस बार चुनाव के अंदर हमने तय किया है कि हमारा मूल उद्देश्य है केवल और केवल हॉस्पिटल का नवीनीकरण होगा। और हॉस्पिटल केवल नवीनीकरण नहीं होगा, देखिए फेस टू में आप लोग वडेरा भवन चला रहे हैं, हमारे मेरे साले साहब सतीश जी वगैरह उसको मेल देखते हैं, वो मुझे कहते हैं जी हम लोग जो है डायलिसिस जो करते हैं 700 रुपये फूल करते हैं, आप लोग क्या करते हैं हॉस्पिटल के अंदर, कुछ भी नहीं कर रहे। कहने को अग्रवाल समाज जो है इतना बड़ा समाज है, धार्मिक समाज है, लेकिन हम कुछ नहीं कर रहे हैं अपनी सोसाइटी के अंदर। हमने निश्चय किया है हम सेवा को लेकर यहाँ पर अपने जो कमजोर हमारे भाई हैं, चाहे वो अग्रवाल है चाहे नॉन अग्रवाल है, सभी के लिए हम सस्ती से सस्ती बस सेवाएं उपलब्ध कराएंगे। आज जो 300 रुपये की हमारी ओपीडी की मशीन कटती है, हम लोगों ने तय किया 150 रुपये करेंगे, डायलिसिस मिनिमम रेट पे करेंगे। हम लोगों ने कहा इसके लिए जो फंड चाहिए, अब ऐसे बता दें कि हमने इसको जो नवीनीकरण के अंदर 10 करोड़ रुपये की जो है कमिटमेंट केवल अशोक विहार के सम्मानित लोगों द्वारा हो चुकी है, ये बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। और उसके अलावा हमारे आज ब्रीन मोहन जी के साथ हम बैठे हुए थे, उन्होंने कहा राकेश हम 21 लोगों की टीम बनाएंगे यहाँ पर, जिनका जो काम होगा वो ये होगा कि हॉस्पिटल के अंदर निःशुल्क या बहुत कम दाम के ऊपर सेवाएं उपलब्ध कराई जाए, और उसमें जो शॉर्ट रहेगा चाहे वो 10 लाख रुपये महीने का भी होगा तो हम 21 लोग उसको वहन करेंगे। हमें केवल और केवल सेवा करनी है यहाँ, और कुछ नहीं करना। इसी उद्देश्य को लेकर मैं अपनी व्यस्तता होने के बावजूद भी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद अनिल जी का नाम इतना बड़ा है कि उसके सामने राजेंद्र जी ने भी मुझे कहा कि भाई देखो मैं अकेला नहीं आऊँगा चुनाव लड़ने के लिए, आप अगर मेरे साथ खड़े हो गए महामंत्री के रूप में तो मैं चुनाव लड़ने को तैयार हूँ, नहीं तो मैं नहीं लड़ूंगा। तो अनिल को ताकत देने के लिए मैंने अपने आप को प्रपोज किया, ठीक है मैं चुनाव लड़ूंगा और यहाँ पर कोशिश पूरी करेंगे सभी ट्रस्टियों भाइयों के सहयोग से, अब एक ऐसी टीम लाएं जो यहाँ पर हॉस्पिटल का नवीनीकरण करे और सेवा करे।